प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देश में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। बता दें कि 24 घंटे में 3 लाख के करीब नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि 3 लाख का ये आंकड़ा लगातार दूसरे दिन पार हुआ है। बता दें कि बीते दिनों संक्रमण के चलते 2256 मरीजों के मौत की यह खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मरीजों के ठीक होने को लेकर भी राहत की ये बात सामने आई है। बता दें कि 24 घंटे में 1 लाख के करीब मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमण के 1 करोड़ के करीब मामले सामने आ चुके हैं। ये इस बात की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो वहीं 24 घंटे में 3 लाख के करीब नए मामले सामने आए हैं। और बता दें कि 3 लाख का ये आंकड़ा लगातार दूसरे दिन भी पार हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि संक्रमण के चलते बीते दिनों से लेकर आज तक 2256 मरीजों के मौत की खबर सामने आ रही है। और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि 1 लाख के करीब मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और आपको ये बता दें कि देश में अब तक संक्रमण के 1 करोड़ के करीब मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हिदायत देती जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो कोरोना से जुड़ी हुई देश से आ रही है।